सो वेलकम बैक गाइस टू सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशंस। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज के कुछ टॉपिक इस तरीके से, आज हम कोड ब्लॉक्स का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। देन हम कोड ब्लॉक को समझेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में सीखेंगे। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज यूजर्स के लिए है। जिनके पास मैक, लिनक्स या उबंटू है उनके लिए भी जल्द ही वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट, जिन लोगों के पास लैपटॉप पीसी अवेलेबल नहीं है बट उनके पास स्मार्टफोन्स है, सो डोंट वरी, उन लोगों के लिए भी मैं एक ऐप सजेस्ट करूंगा। उसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि उस ऐप को किस तरीके से यूज करना है उनके स्मार्टफोन में। सो डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपके पास पीसी लैपटॉप नहीं है तो फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, और अगर आपके पास विंडोज पीसी है या लैपटॉप है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लेट्स डाइव इनटू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ कोड ब्लॉक्स आईडी। उसके लिए आपके लैपटॉप या फिर पीसी को वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। देन कोई भी ब्राउजर ओपन करके वहां भी सर्च करना है कोड ब्लॉक्स। सो जो गूगल सर्च में जो फर्स्ट वेबसाइट आएंगी दैट इज कम विद द यूआरएल www.codeblocks.org, वो ऑफिशियल वेबसाइट है। सो वहां पे आपको ये दिखेगा डाउनलोड बाइनरीज। सिंपली डाउनलोड बाइनरी लिंक पे क्लिक करना है। अगर आप विंडोज यूजर हो विद 64-bit तो आप इन सेटअप्स को इंस्टॉल करोगे। अगर आप विंडोज यूजर हो विद 32-bit तो आप इस इंस्टॉलर के लिए जाओगे, दैट इज नथिंग बट अ 32-bit। अगर आप लिनक्स यूजर हो तो आप इन सेटअप्स के लिए जाओगे, ओके। अगर आप उबंटू यूजर हो तो आप इस सेटअप फाइल्स के लिए जाओगे। अगर आप मैक यूजर हो तो आप इस सेटअप के लिए जाओगे। मेरे केस में मेरा जो सिस्टम है वो 64-bit का है। मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, सिंपली अगर आपको भी चेक करना है कि आपका सिस्टम क्या है तो आप सिंपली दिस पीसी पे जाओगे, दिस पीसी पे राइट क्लिक करोगे एंड जाओगे प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज में पता चल जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सो मेरे केस में ये विंडोज 8.1 है। एंड सेकेंड, जो मेरा सिस्टम टाइप है वो 64-bit का है, मतलब ही मेरा जो प्रोसेसर है वो 64-bit का है, ओके। सो मैं जो सेटअप फाइल इंस्टॉल करूंगा दैट इज फॉर 64-bit। अब यहाँ पे 64-bit के लिए भी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सेटअप फाइल्स है, ओके। तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि कौन सा सेटअप इंस्टॉल करना चाहिए। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाला सेटअप इंस्टॉल करें, दैट इज कम विथ MinGW, ओके। ये जो सेटअप है इसमें इसके साथ साथ आपको MinGW कंपाइलर इंक्लूडेड मिलेगा, मतलब विथ सेटअप मिलेगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी कंपाइलेशन के लिए, ओके। कोड ब्लॉक का ये वाला जो सेटअप है वो इंस्टॉल करना है। और हाँ, जो कोड ब्लॉक का जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है करंट टाइम में, दैट इज 20.03, ओके। सो सिंपली ये जो फोर्थ नंबर का है उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे उसके बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा अराउंड 5 सेकेंड्स के बाद। अब ये जो डाउनलोडिंग स्पीड है एंड इसको जो लगने वाला टाइम है ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। सेकेंडली, ये जो सेटअप फाइल है ये अराउंड 145 MB की है। सो अगर आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छा है तो लेस देन 10 to 20 minutes में हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ एंड जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा हम सेटअप की तरफ जाएंगे। तो सेटअप डाउनलोड हो गया है, सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले दिखता है यहाँ वेलकम टू कोड ब्लॉक सेटअप, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। देन आई एग्री। देन नेक्स्ट यहाँ पे चूज कंपोनेंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि MinGW कंपाइलर सूट सिलेक्टेड होना चाहिए। देन सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें पाथ बताता है कि जो कोड ब्लॉक है वो कहाँ इंस्टॉल होने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल होता है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट छोड़ के नेक्स्ट कर दूंगा। ओके, ये जो इंस्टॉलेशन होने के लिए अराउंड 2 to 3 minutes लेता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम, सो सिंपली वेट। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू रन कोड ब्लॉक नाउ, सो हम सिंपली येस कर देंगे यहाँ पे एंड देन सेटअप को नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। सो सक्सेसफुली हमारा कोड ब्लॉक इंस्टॉल हो चुका है इस जगह पे। कोड ब्लॉक अभी ओपन हो रहा है, सो वेट। ओके, जब कोड ब्लॉक फर्स्ट टाइम ओपन होता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो है स्टार्ट स्क्रीन। स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर कुछ डिटेलिंग होती है, लाइक आपने जो वर्जन इंस्टॉल किया है वो, जैसे हमारे केस में 20.03,
देन नेक्स्ट मैं थोड़ा कोड ब्लॉक के बारे में डिटेल में बता देता हूँ. कोड ब्लॉक एक सॉफ्टवेयर है या फिर आप बोल सकते हो आईडीई है. सो ये एक ओपन सोर्स आईडीई है. ओपन सोर्स आईडीई का मीनिंग होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्टली ये जो टोटल जो सॉफ्टवेयर है इसमें किया गया हुआ कोड ओपन सोर्स है. मीन्स आप उस कोड को जाके उनके वेबसाइट पे देख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इनके सॉफ्टवेयर में तो आप वो भी वेबसाइट में जाके कर सकते हो. सो इसका मीनिंग होता है ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि वो जो कोड है वो टोटली यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल है. ओके नेक्स्ट जो कोड ब्लॉक है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म आईडीई है. सो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग होता है ये जो सॉफ्टवेयर है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक विंडोज़, मैक, लिनक्स, उबंटू. ओके जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सॉफ्टवेयर रन करता है. सेकेंड ये एक आईडीई है. आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपर को उनके प्रोग्राम को इफ़िशेंटली कोड और मैनेज करने के लिए. हम वो देखेंगे आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोड ब्लॉक कैसे हेल्प करता है हमें, क्या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हम कोड ब्लॉक का इन्वायरमेंट पता कर लेते हैं कि क्या क्या कहाँ पे है, वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं. तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टार्ट स्क्रीन. स्टार्ट स्क्रीन के ऊपर कुछ हैंडी बटन्स दी गई है. सबसे पहले हमें दिखता है स्टार्ट स्क्रीन पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो. सेकंड होता है ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे पहले से बना बनाए जो प्रोजेक्ट्स है आप उनको ओपन कर सकते हो. सेकंड टिप ऑफ द डे, अगर आपको कुछ टिप्स वगैरह चाहिए कोड ब्लॉक को अच्छे से यूज़ करने के लिए तो वहाँ पर टिप्स मिलती है. सेकेंड अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे है रिसेंट प्रोजेक्ट्स, अगर आपने प्रीवियसली कोई प्रोजेक्ट किया है तो वहाँ पे वो नज़र आएगा. अभी फ़िलहाल की कंडीशन में हमने एक भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है तो वहाँ पे नो रिसेंट प्रोजेक्ट लिख के आ रहा है. सेकेंड सेक्शन होता है मैनेजमेंट सेक्शन. मैनेजमेंट सेक्शन में अगर आप नीचे देखो प्रोजेक्ट टैब है. प्रोजेक्ट टैब में यहाँ पे वर्क स्पेस दिया है. वर्क स्पेस के अंडर आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाते हो ये सारे वर्क स्पेस के अंडर दिखाई देते हैं. नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वो है हमारा बिल्ड लॉग सेक्शन, जो बॉटम साइड में है. ये जो है यहाँ पे हमारे एरर्स दिखते हैं. अगर आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम कोई एरर होते हैं तो वो बिल्ड लॉग में नज़र आते हैं. हमारा जो प्रोग्राम कितने देर में रन हुआ, ये सारा चीज़ें कंपाइल हुआ, वो सारा चीज़ें हमें बिल्ड लॉग में पता चलता है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टॉप की, तो यहाँ पे टॉप में दो बटन दिए हैं. एक है यूज़ होती है कंपाइल करने के लिए, जो कि जिसका नाम है बिल्ड. यहाँ पे बिल्ड को ही कंपाइल बोला जाता है. देन नेक्स्ट जो प्ले बटन है उससे हम हमारा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे. हम सिंपली क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. तो सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट. ओके जो हमारा कोड ब्लॉक है सिर्फ और सिर्फ सी और सी प्लस प्लस को ही प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता. ये इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोड ब्लॉक को यूज़ किया जाता है. तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिसका आप यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी में आप सॉफ्टवेयर कोड कर सकते हो. ओके जैसे आपको दिख रहा है आर्डुइनो वगैरह मैटलैब वगैरह को सपोर्ट करता है ये. ओके नेक्स्ट हम यहाँ पे जो टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं वो है कंसोल एप्लीकेशन, क्योंकि हम सी ओ सी प्लस प्लस से कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे कंसोल एप्लीकेशन, देन सिंपली करेंगे गो. देन यहाँ पे आपको चॉइस पूछ रहा है कि आपको किस लैंग्वेज में कोड करना है. तो सिंपली अभी जो सेशन चल रहे हैं वो सी के हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे सी लैंग्वेज, देन सिंपली नेक्स्ट. उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको प्रोजेक्ट टाइटल, सो हम सिंपली प्रोजेक्ट टाइटल डालेंगे. यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ हेलो एंड क्लास. सो आप कुछ भी प्रोजेक्ट का टाइटल दे सकते हो. सेकंड जो चीज़ है वो है पाथ, कि आप आपका प्रोजेक्ट को कहाँ सेव करना चाहते हो. सो इन माय केस मैं यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट एफ ड्राइव में सेव कर रहा हूँ. सो एफ ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट सेव होंगे. तो मैं मेरे प्रोजेक्ट को नाम दे देता हूँ. सो सिंपली मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ सी प्रोग्राम. ओके एंड सिंपली मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ. ओके नेक्स्ट जो होता है वो है प्रोजेक्ट फाइल नेम.
तो ये होता है हमारे प्रोजेक्ट का टोटल फाइल नेम विथ एक्सटेंशन। यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो है CBP। व्हाट इज CBP? CBP स्टैंड फॉर कोड ब्लॉक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो होता है वो रिजल्टिंग फाइल नेम होता है। ये टोटली पाथ बताता है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ सेव है। सो हमारे केस में यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट का पाथ बनता है वो एफ ड्राइव में सी प्रोग्राम फोल्डर के अंदर और एक प्रोग्राम और एक फोल्डर है दैट्स कॉल्ड एज हेलो क्लास, एंड उस फोल्डर के अंदर हमारा मेन फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है, दैट इज हेलो क्लास डॉट CBP। ओके, देन सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पे यहाँ पे चॉइस करने के लिए आता है कंपाइलर। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट GNU GCC कंपाइलर होता है, सिलेक्टेड होता है। अगर आपके केस में यहाँ पे GNU GCC कंपाइलर नहीं है, इसके अलावा कोई अदर कंपाइलर है, तो आप सिंपली उसको ऊपर के तरफ लेके जाएंगे और आप सिलेक्ट करेंगे GNU GCC कंपाइलर। ओके, क्योंकि इसी के थ्रू हम सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। डिफॉल्ट छोड़ना है, यहाँ पे नीचे में कोई भी चेंजेस हमें नहीं करने हैं और हमें सिंपली फिनिश कर देना है। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सिंपली अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में वर्क स्पेस के अंडर आपका प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ नथिंग बट अ हेलो क्लास। और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक फोल्डर दिख रहा है, दैट इज़ नथिंग बट अ सोर्स फोल्डर। अगर हम सोर्स फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखती है main.c फाइल। यही हमारी मेन फाइल है जिसके अंदर हम हमारा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अगर मैं इस मेन फाइल को डबल क्लिक करूँ तो आपको नज़र आएगा एक प्री रिटर्न कोड, दैट इज़ नथिंग बट अ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। यहाँ पे कोड ब्लॉक ने प्री रिटर्न दे दिया है। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम होता है ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है कि हमारा जो कोड ब्लॉक है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है एंड हमारा जो कंपाइलर है ये भी सेट हो चुका है, कॉन्फिगर्ड हो चुका है। ये टेस्ट करने के लिए कोड ब्लॉक प्री रिटर्न टेम्पलेट्स देता है जिसका यूज़ करके आप चेक कर सकते हो। तो इसको चेक करने के लिए कि आपका कोड ब्लॉक रनिंग प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे सिंपली मैं बिल्ड करके देखता हूँ। ओके, सिंपली हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे, जो गेयर आइकॉन दिया है वो। जैसे ही हम बिल्ड करते हैं तो हमें नीचे बॉटम साइड में बिल्ड लॉग के अंदर हमें नज़र आता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़ीरो एरर्स है, ज़ीरो वार्निंग है एंड मेरा जो प्रोग्राम है वो 0:01 में बिल्ड हो चुका है। ये हमें बिल्ड लॉग में पता चलता है, अगर कुछ एरर वगैरह भी रहे तो यहाँ पे हमें पता चलता है। हमारे नाउ करंट कंडीशन में कोई एरर नहीं है। सिंपली हम रन करते हैं। सिंपली रन करने के लिए हम यहाँ पे ग्रीन बटन, जो प्ले बटन जैसा दिख रहा है, उसको क्लिक करेंगे जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसे आप देख पा रहे हो। ओके, अगर आपको ट्रस्ट है कि आपका प्रोग्राम बिल्ड एंड रन हो सकता है तो आप यहाँ पे कॉम्बो बटन यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट अ बिल्ड एंड रन। तो सिंपली हम बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे तो ये सेम केस है। आप इंडिविजुअल बटन ना प्रेस करते हुए आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। डोंट वरी, हमने कोड एक्सप्लेन नहीं किया टोटली, सिर्फ और सिर्फ हमने इंस्टॉलेशन एंड वर्किंग इन्वायरमेंट देखा है कोड ब्लॉक का। नेक्स्ट सेशन से हम पूरा ये जो हेलो वर्ल्ड का कोड है हम वो एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। ओके, सो डोंट वरी। अगर आपको इंस्टॉलेशन में एंड कंपाइलेशन में कोई भी एरर आ रहा है तो आप सिंपली हमें स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें एंड शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।